जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए किसी भी प्रकार का रोग हो, उस रोग के निवारण के लिए मैं आपको ये एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिस प्रयोग को अमृत मृत्युंजय प्रयोग बोलते हैं। ठीक है, और वास्तव में ये प्रयोग बहुत ही सरल भी है और बहुत तुरंत प्रभाव देने वाला है। इस प्रयोग को आपको करना चाहिए अगर आपको किसी भी तरह का रोग है तो, और अगर आपको या फिर आपके घर में हो किसी भी सदस्य को हो तो आप इस प्रयोग को कर सकते हो। अगर अकाल मृत्यु बताई गई है कि आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, या फिर मृत्यु भय की कोई आशंका हो, या फिर आपके शत्रु बढ़ गए हैं, भाई चारों तरफ शत्रु की, आजकल का युग ऐसा है कि हर कोई शत्रुता रखने वाला होता है, और आपके शत्रु बढ़ गए हैं और आप किसी भी क्षण आपको मृत्यु भय की आशंका है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में ये प्रयोग आपको तुरंत प्रभाव देता है। ठीक है, तुरंत इसका प्रभाव होगा और आपकी जो आई हुई विपत्ति है उसको दूर कर देगा ये। अब इस प्रयोग के लिए आपको करना क्या है कि सफ़ेद आग के जो गणपति होते हैं, श्वेतार्क गणपति बोलते हैं, वो आपको लेने हैं। ठीक है, और बुधवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। बुधवार के दिन लाल वस्त्र चौकी पर बिछा दें और उस पर गणपति जी को स्थापित कर दें, और उनका सिंदूर से तिलक करना है, और अपने भी ललाट पर आपको सिंदूर से ही तिलक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से गणपति जी को भोग लगाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और पूजा करनी है, मतलब कि उनका पूजन करना है, पंचोपचार पूजन कर लें, धूप दीप जलाना है। ये सब छोटा सा विधान है और जो पूजा पाठ करते हैं वो सब इतना तो जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक या तो पारे का शिवलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, या स्फटिक का हो, पारे या स्फटिक का शिवलिंग आपको वहीं पास में ही स्थापित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र से उसका पूजन करना है। पूजन में आपको क्या करना है कि कुछ फूल चढ़ाने हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र बोला और पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय मंत्र बोला और धूप दीपम समर्पयामि या तिलकम समर्पयामि, इस तरीके से आपको एक छोटा सा पूजन कर लेना है। और उसके बाद हाथ में जल लेकर के विनय योग करना है। ठीक है भाई, अब विनय योग में आपको बोलना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अस्य श्री अमृत मृत्युंजय कहोल ऋषि विराट छंद मृत्युंजय सदा शिवो देवता अमुक गोत्रोत्पन्नो, अमुक की जगह अपना गोत्र बोलना है आपको, अमुक शर्मणो यानी कि आपको अपना नाम बोलना है यहाँ पर, समस्त रोग अपमृत्यु निवारणार्थ जपे विनय योग है। तो आपको ये विनय योग बोलना है, इसमें आपने अपना गोत्र भी बोल दिया है, अपना नाम भी बोल दिया है, और समस्त प्रकार के जो भी रोग हैं आपको या फिर आपकी अल्प मृत्यु है जिसे अकाल मृत्यु बोलते हैं उसके निवारण के लिए आप ये जप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विनय योग बोलने के बाद आपको 5000 मंत्रों का जाप करना है, 5000 पर डे यानी 51 माला, और मंत्र छोटा सा है। देखिए, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अब ये तो है नहीं कि आप मेहनत भी ना हो और काम भी हो जाए, तो भाई ऐसा तो नहीं होता है। 51 माला का आपको जाप करना है और रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए।
जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ये सभी सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी ही चाहिए। और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र वीडियो में भी मैं ऊपर दे दूंगा, तो वीडियो में ही आप देख लेना, वहाँ से नोट भी कर लेना। वो छोटा सा मंत्र है, क्योंकि छोटा मंत्र है तो 51 माला जपने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम अमृत मृत्युंजयाय नमः। ओम अमृत मृत्युंजयाय नमः, ठीक है। बहुत छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र का 125,000 जाप होना ही चाहिए। 125,000 जाप आपको इसका करना है। अब आप वो डिवाइड कर लें कि 125,000 का जाप आप कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 51 माला आप डेली करते हैं तो 5,000 मंत्रों का आपका जाप हो गया, तो 125,000 का आपका कितने दिन में होगा, ठीक है, वो आप देख लेना। और 125,000 जाप करने पर पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस मंत्र की ये विशेषता है कि जब से ये मंत्र स्टार्ट किया जाएगा, जब तुम चालू करोगे, तभी से रोगी में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और 125,000 का जाप पूरा होते होते ही रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा उसका, ठीक है। ये चमत्कारी मंत्र है और इसका उपयोग तुम खुद के लिए भी कर सकते हो और दूसरे के लिए भी कर सकते हो। जहाँ पर विनय योग में जहाँ पर अमुक दिया गया है, वहाँ पर आप उस व्यक्ति का नाम बोलना है आपको जिसके लिए आपको करना है, या अपने लिए करना है तो अपना नाम बोलना है, ठीक है। तो ये जो साधना है वास्तव में ही बहुत बेजोड़ साधना है, बहुत बेजोड़ मंत्र है ये रोग निवारण के लिए। एक अमृत है, अमृत मृत्युंजय मंत्र है ये, ठीक है। तो ये साधना आप अगर किसी को रोग है किसी भी प्रकार का तो वो कर सकते हैं, और इससे रोगों का निवारण आपका होगा ही होगा, 100% होगा। तो ये साधना जिन भाइयों को अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।